अच्छा तो हम सभी लाइव हो चुके हैं। जिस दिन का फैंस को सबसे बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया है, यानी कि आज 3 अक्टूबर है और आज से शुरू होने जा रहा है टीवी इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शो जिसे कहते हैं बिग बॉस, जो आज रात को 9 बजे से शुरू होगा। आज उसका प्रीमियर एपिसोड है, लेकिन इससे पहले ही प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग जो उसका टेलीकास्ट होगा उससे पहले ही कुछ फैंस शहनाज गिल के जो फैंस हैं वो ट्विटर पे उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है विरोध है, इसके बारे में कुछ हमारे सहयोगी राहुल से जानेंगे। इसके अलावा भी कई सारी बातें करेंगे इस पूरे लाइव में। राहुल स्वागत आपका। थैंक यू रवि। रवि जैसा कि आपने कहा कि शहनाज के फैंस जो हैं वो बिग बॉस मेकर से थोड़े से नाराज हैं, उसकी वजह यही है कि प्रीमियर एपिसोड पर जो है बिग बॉस के मेकर्स ने जो है सिद्धार्थ, गौहर और हिना जैसे स्टार्स को बुलाया है, लेकिन उन्होंने शहनाज को नहीं बुलाया और इस वजह से शहनाज के जो फैंस हैं वो नाराज हो गए हैं। तो अब ये नाराजगी इतनी ज्यादा है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस समय ट्विटर पर जो शहनाज गिल के फैंस हैं उन लोगों ने क्रेज ऑफ शहनाज जो हैशटैग है वो नंबर 2 पर ट्रेंड करा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है जिसको हम बता सकते हैं कि बिग बॉस शुरू होने से पहले शहनाज गिल के फैंस जो है वो कितने खफा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि जहां बिग बॉस को लेकर इतना तगड़ा क्रेज है लोगों के अंदर, वहां पर शहनाज के जो फैंस हैं वो इस तरह से ट्रेंड करा रहे हैं। और शहनाज के फ्रेंड का सवाल यही है कि अगर मेकर जो है सिद्धार्थ, गौहर और हिना जैसे स्टार्स को बुला सकते हैं तो फिर वो शहनाज को क्यों नहीं बुला रहे, तो ये एक बड़ा सवाल है। जी राहुल, मतलब कि सोशल मीडिया पे अभी से ट्रेंड में आने शुरू हो गया, जबकि अभी तो पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने में, प्रीमियर एपिसोड टेलीकास्ट होने में काफी टाइम है, लेकिन मेकर्स को चीज मिल गई जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे कि ट्विटर पे ट्रेंड होना शुरू हो गया, भले ही एक निगेटिव वजह से हो। देखिए ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मेकर्स को जो चाहिए वो मिल गया है। जैसा कि मैं बात करूं कि मैं अगर शहनाज गिल का फैन हूं या बिग बॉस का फैन हूं तो वो एक अलग चीज है, शहनाज गिल को मेरा देखने की तमन्ना एक अलग है, बट मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं फायदा है क्योंकि ट्विटर पर जो है शहनाज गिल के फैंस अगर ट्वीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे बिग बॉस को पब्लिसिटी तो मिल ही रही है, लोगों को वो चीज देखने अच्छी लग रही है कि ठीक है अभी आज, मतलब कहा जाता है ना कि निगेटिव पब्लिसिटी भी एक तरह से पब्लिसिटी तो है ही। तो ये तो एक बड़ी बात जो आपने यहाँ पे पॉइंट एक उठाया है कि मेकर्स को उससे थोड़ा बहुत नुकसान जहाँ है उतना फायदा भी है कि भाई आपके लिए उससे पब्लिसिटी तो मिल ही रही है। जो लोग अगर बाई चांस भूल रहे होंगे या जिनको नहीं पता होगा वो लोग भी ट्विटर पर देख कर अब बिग बॉस के लिए उत्साहित हो जाएंगे और जो लगातार एक उत्साह जो पिछले एक हफ्ते से बन रहा है वो और बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह के प्रोमोज आ रहे हैं उन्हें देख कर ऐसा लग रहा है कि शो का जो पहला एपिसोड है वो धमाकेदार तो होने वाला है। उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे सलमान खान की परफॉर्मेंस हो गई, उसमें हिना, सिद्धार्थ, गौहर की भी, और जो नए कंटेस्टेंट आने वाले हैं उनके भी प्रोमोज आ रहे हैं, तो एक बस तो बन रहा है। तो नेगेटिव पब्लिसिटी शहनाज के फैंस की वजह से हो रही है शो की, बट उससे भी कहीं ना कहीं फायदा तो इस चीज को मिलेगा ही कि क्या हो सके। लेकिन अगर मैं शहनाज के फैंस के ट्विटर रिएक्शन की बात करूं तो उनमें कुछ चीजें हैं जो कि मेनली मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि सिद्धार्थ को एपिसोड पे बुलाया गया है तो फैंस जो चाहते हैं वो ये चाह रहे थे कि सिद्धार्थ के साथ साथ शहनाज भी जो है वो शो पर आए। तो एक जो तड़का था ना पिछले सीजन का कि भाई सिद्धार्थ और शहनाज, सिद्धार्थ जो एक कॉम्बिनेशन था वो चाहते थे कि आज देखने को मिले, लेकिन वो देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि शहनाज है नहीं, तो इसलिए फैंस ज्यादा नाराज है। इसकी एक वजह अगर मैं डर पर जो रिएक्शन है वो आपको मैं दिखाऊं तो लोगों का ये कहना है कि भाई अगर सिद्धार्थ आते तो ये प्रीमियर एपिसोड की जो है जो एक रेंज है ना वो बहुत ऊपर चली जाती, तो उसके मुकाबले बाद के एपिसोड जो है वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, हो सकता है उनकी उतनी अच्छी रेंज ना रहे, तो बिग बॉस के मेकर्स को थोड़ा सा खामियाजा उठाना पड़ सकता था। अगर शुरुआत इतनी धमाकेदार हो और उस बाद आने वाले एपिसोड उतने अच्छे ना हो तो इसलिए भी कई लोग कहें कि मेकर्स ने इसलिए नहीं बुलाया है। तो और कई लोग मानते हैं अगर शहनाज आती तो फिर हिना और गौहर को नहीं देखते लोग, तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टार की अपनी अपनी जो है फैन फॉलोइंग है, हर स्टार के चाहने वाले लोग हैं। हिना खान को शेरखान के रूप में लोग जानते हैं और गौहर को इतना प्यार मिलता है, सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग कितनी है उसके बारे में मतलब बोलने की जरूरत है ही नहीं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। बट बाकी देखना पड़ेगा कि जो ये नेगेटिव पब्लिसिटी अब जो हो रही है इससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये जो है वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि शहनाज के फैंस जितने नाराज हो रहे हैं उससे बिग बॉस 14 की व्यूअरशिप पर आज
आप नकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं या सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं कि क्या फायदा होगा या नुकसान होगा आपके मुताबिक? रवि देखिए राहुल, जिस हिसाब से ट्विटर पर कुछ चीजें ट्रेंड होती हैं तो मुझे लगता है इसका जो मेकर्स उनको फायदा ही मिलेगा। जैसे कई लोग होते हैं जो बिग बॉस देखते भी नहीं है, लेकिन अगर वो ट्विटर पे एक्टिव हैं और उनको ट्रेंड दिखेगा तो हो सकता है कि वो इस चीज को देखने के लिए कि आखिर ये क्या चीज है और क्या हो रहा है यहाँ पे ताकि इतना बॉयकॉट किया जा रहा है, ट्रेंड चलाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मेकर्स को फायदा ही मिलेगा। वही कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, वैसा कोई सीन इनके साथ बन सकता है। चलिए राहुल, ये बताइए आप इस एपिसोड में क्या क्या खास होने वाला है? कई सारी बातें आ रही हैं कि बाहर का कोरोना के चक्कर में जो चेंजेस हुए हैं, कई सारे सारी चीजों को, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह, इनको ध्यान रखा गया है और काफी ज्यादा बदलावों के साथ इस बार का शो पेश किया जाएगा, तो कुछ जो मेन मेन सी बातें हैं वो अपने दर्शकों को बता दीजिए। जैसा रवि, हम लोग बॉलीवुड लाइफ पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार बिग बॉस के सीजन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो जो सबसे बड़ा चेंज ये है कि बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर ही प्रोवाइड कराई जा रही है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत हो सकती है या फिर स्पा जैसी चीज हो गई या फिर इस तरह की जो चीज है। उसके साथ साथ क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और ये एक बहुत बड़ी महामारी है, तो इसलिए मेकर्स ने उस चीज को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी चीजों का इंतजाम किया है ताकि ये खतरा घर के अंदर ना आए। तो इस चीज को लेकर एक बहुत सावधानी बरती गई है कि कोरोना में कंटेस्टेंट जो है वो सुरक्षित रहें। दूसरा, बिग बॉस 14 जो है या बिग बॉस शो जो है, इसकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप होती है, तो जो लोग शो देख रहे हैं उनको भी ये मैसेज जाए कि भाई आप लोगों को भी ऐसे ही रहना है, इतना ही सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्या क्या काम नहीं करने और क्या क्या काम करना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस बार का फॉर्मेट जो है वो तैयार किया गया है, तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, अब बात आती है कि टास्क की, क्योंकि कोरोना में जैसे हम लोगों ने पिछली बार की तरह टास्क देखे हैं, जैसे कुश्ती का होता था या दंगल होता था, तो इस बार वो किस तरह से मेकर्स जो है मैनेज करेंगे, किस तरह के टास्क जो है डिजाइन किए जाएंगे, ये देखने वाली चीज होगी। ये तो रहा एक भाग, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं रवि, कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कंटेस्टेंट जैसे सिद्धार्थ हो गए, गौहर हो गई या हिना हो गई, तो इन लोगों को इसलिए लाया जा रहा है ताकि एक तरह से मेंटोर का जो है वो किरदार अदा कर सके नए कंटेस्टेंट्स की जर्नी में, तो ये लोग उनको गाइड भी करेंगे। तो एक तरह से माना जा रहा है कि जो हम लोग रोडीज टाइप के शो देखते आए हैं उनमें जैसे एक एक जज बैठा होता है और वो अपना एक ग्रुप बनाता है और फिर रोडीज की जर्नी आगे बढ़ती है, तो मे भी हो सकता है कि इस बार जो है बिग बॉस में ये चीज देखने को मिले। हालांकि अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, आज रात को ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि ये जो कंटेस्टेंट बुलाए जा रहे हैं पुराने, वो इस बार बॉस में ऐसा क्या करने वाले हैं कि इनको क्यों बुलाया गया, क्या ये लोग सिर्फ प्रीमियर एपिसोड तक सीमित रहेंगे या फिर आगे भी इनकी जर्नी बढ़ाई जाएगी या फिर क्या रहेगा। लेकिन अगर प्रोमोस की बात करूं तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का उपयोग जो है, इन लोगों की जो मदद है वो आने वाले एपिसोड्स में भी ली जाएगी, क्योंकि इन तीनों ही प्रतियोगियों की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है और अगर ये लोग शो में रहते हैं तो एक तरह से डबल धमाका हो जाएगा कि शो में नए कंटेस्टेंट तो आ ही रहे हैं लेकिन आपको पुराने कंटेस्टेंट भी मिल रहे हैं, तो ये डबल धमाका जो है मेरे को लगता है बिग बॉस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन? हाँ, तो यही कमाल की चीज़ है। जी राधे माँ के बारे में कुछ बता दीजिए हल्का सा, कि उसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि राधे माँ बहुत दिन बाद दर्शन देंगी, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या खबरें चल रही हैं उनके बारे में। सुना है कि एक हफ्ते के लिए वो 25 लाख के बारे में यही कहा जा सकता है। जी, उनकी फीस को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है जो कि हम लोगों ने कल लाइव किया उसमें बताया भी था ऑडियंस को। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राधे माँ के साथ उनको बुलाया इसलिए गया है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है जिनकी एक क्षेत्र में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग उनके लिए मानते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात है उनके जो भक्त वगैरह हैं वो शो के साथ जुड़ेंगे तो शो की टीआरपी में ये फायदा मिलेगा उन लोगों के लिए। सेकंड चीज ये है कि वो जिस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, तो वो घर में आके कैसा क्या करेंगी, वो आप और मैं या बाकी उनके भक्त वो जानना तो चाहेंगे ना, तो ये चीज भी देखने वाली होगी। और अगर वो जैसा हमने लास्ट कुछ सीजन पे देखा है कि जैसे ओम स्वामी हो गए या जो इस तरह की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज आई है उन लोगों ने क्या क्या किया है, अगर राधे माँ वैसा कुछ करती है तो शो को फायदा तो मिलेगा, बट अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो
प्रोमो आया है या फिर जो चीजें पता चल रही है उनसे शुरुआत में मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ बहुत तगड़ा मसाला देने वाली है, लेकिन हाँ उनको वो खुद ऐसी व्यक्तित्व है उनका कि ऑडियंस को देखना चाहेगी तो उससे फायदा मिलेगा लोगों के लिए, ये मेरा अंदाजा है। बाकी ये है कि और कंटेस्टेंट भी आ रहे हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो भी एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि बिग बॉस जैसा शो जो है किसी एक के ऊपर नहीं चल सकता, उसके लिए सारे कंटेस्टेंट में से एटलीस्ट 60% कंटेस्टेंट का अच्छा होना जरूरी है, तो ये एक बड़ी चीज है। जी तो सभी फैंस को बता दे, सभी दर्शकों को बता दे कि आज शाम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल शो यानी बिग बॉस 14वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। 19 सितंबर से आईपीएल शुरू हुआ था, वहां पे घर के बाहर गेम खेला जा रहा है, यहाँ पे घर में गेम खेला जाएगा। देखना है उस गेम में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं, कैसे कैसे टर्न्स आते हैं, इनके बारे में हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, हम आपके साथ लगातार बने हुए। आज हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी प्रीमियर एपिसोड के शूटिंग से लेकर, हमने आपको सारी खबरें बताई। रात को 9 बजे भी हम आपके पास हाजिर होंगे, थोड़ी देर बाद फिर से हाजिर होंगे, हम आपको एक एक कंटेस्टेंट के बारे में पूरी बातें बताएंगे। बने रहिए आज हमारे साथ बॉलीवुड लाइव के साथ, धन्यवाद।